بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال في مقام اخر ما تلك بيمينك يا موسى وقال في مقام اخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا السلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله الا ان اولياء الله الا the word used in this ayah in this verse it is just for seeking the intention of the reciters and listeners jaise hum urdu mein kehte hain hazrat to hazrat jab kehte hain everyone we seek the attention of the people similarly the ala word so many times used in our hadith and the ayah is meaning be attentive and attention please ye jahan bhi use hua ye harf e tanbeeh mutanabbih karne ke liye iske baad jo message hota hai quran pak mein ya kahin bhi istemal ho ye hadith mein istemal ho very important message diya jata hai तो अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने कुरान पाक की इस आयत से पहले अला के लफ्ज का इजाफा फरमाया अल्लाह के कलाम का इसको अपने कलाम का हिस्सा बनाया क्योंकि द नेक्स्ट मैसेज व्हिच इज कमिंग आफ्टर अल्लाह दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज अबाउट द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह वो अल्लाह के फ्रेंड्स जिनको हम वलीयुल्लाह कहते हैं अल्लाह का दोस्त कहते हैं अल्लाह का मुहिब कहते हैं अल्लाह का महबूब कहते हैं अल्लाह का अकरब कहते हैं और अल्लाह का मुकर्रब कहते हैं यहाँ मैंने विलायत के सारे माने बयान कर दिए विलायत के पांच माना था वो मैंने इसमें बयान कर दिए क्योंकि वक्त शॉर्ट है तो मैंने विलायत के माना इसमें बयान कर दिए औलिया अल्लाह बेशक अल्लाह के जो वली हैं इंडीड द औलिया अल्लाह द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह द मुहिब एंड द लवर्स एंड बिलव्ड ऑफ अल्लाह ला खौफ अलैहिम इन पर कोई खौफ नहीं वला हुम यहज़नून ना ही ये नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के बारे में गमगीन होते अब अल्लाह के वली की ये शान है अब इस आयत के अंदर हमने हुजूर गौसे पाक को देखा क्योंकि आज की मजलिस का आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस का उन्वान है वो है टीचिंग्स ऑफ हुजूर गौसुल आदम कॉन्फ्रेंस हमने टीचिंग भी हासिल करनी है और आपकी सीरत का सुनहरा जो चैप्टर है वो भी सीने में सजा के लेकर जाना है फरमाया कोई खौफ नहीं कोई गम नहीं किससे गम नहीं करते ये कौन है जो गम नहीं करते आज तो इधर हर कोई परेशान है और परेशानी होती भी है अल्लाह का वली भी हो तो उसको कुछ ना कुछ गम या खौफ होता है लेकिन ये कौन स्पेशल लोग हैं जिन पर खौफ की रब खुद नफी फरमा रहा है जिन पर गम की रब खुद नफी फरमा रहा है ये वो हस्तियां हैं जिनको कुर्बत छूट जाने का खौफ है वसले इलाही छूट जाने का खौफ है विलायत के सल्ब होने का खौफ है लेकिन खौफ किसका नहीं कि वो तमाम खलाइक अल्लाह अल्लाह की मखलूक में जो किसी का भी खौफ अपने ऊपर आने नहीं देते आने नहीं देते हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात करूं आपकी सीरत मैं आपको दिखाता हूं बनू अब्बास के खलीफा का दौर है इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम बनू अब्बास खलीफा की एक लंबी हिस्ट्री है और इसके अलावा उसके बनी उमैया के खलीफा की लंबी हिस्ट्री है और आपस में कशीदगियां भी हैं हमारी हिस्ट्री के इस्लाम की हिस्ट्री फुल ऑफ ब्लड है खून से भरी हुई है मिसकंसेप्शन दोनों साइड पे क्रिएट होती रही बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता बनू अब्बास के खलीफा का दौर है जो अपने खिलाफ एक जुमला भी नहीं सुनते और लोगों को लंबी लंबी कैदें में डालते हैं उलमा को डालते हैं ये दौर सिर्फ आज ही नहीं कि लंबी लंबी कैदें जी रहे हैं कोई हक बोल रहा है कोई ना हक बोल रहा है या कोई हक बोलने वाले को अगर कोई अंदर करता है ये शुरू से चला है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है
कहा बनो बास के खलीफा का दौर है और उन्होंने एक नया फितना ईजाद कर दिया अकीदे के अंदर। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला ने अनु तक खबर आती, आप मदरसे में टीचर हैं, वाज टीचिंग ऑफ टीचिंग द मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को आप टीच कर रहे हैं एक वक्त में, कम से कम 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आपसे मुस्तफीद होते थे। मैंने आज आपकी आपकी किताब में पढ़ा 300 से जायद किबार औलिया अल्लाह, किबार बड़े औलिया अल्लाह आपकी एक मजलिस में इक्तिसाब फैज किया करते थे। एक जब आप रब्बे करीम की मोहब्बत का दर्स देते थे, लोग अपने जुब्बे फाड़ देते थे अपने रब्बे करीम से फसल पर जो आपका दर्स है। फतहुर रब्बानी अगर हम पढ़ के देखें, आपके खुतबात का मजमू है फतहुर रब्बानी, मैं कहूँ खजीना है, इतना खजीना के आप सिर्फ तौहीद का चैप्टर उसका पढ़ें कि रब की तौहीद क्या है। आप फरमाते हैं ऐ शख्स जो तू तौहीद तौहीद की रट जबान से लगाता है, तेरी जबान पे तौहीद दिल में छुपा शिर्क है, तेरी जबान पे तौहीद दिल में छुपा शिर्क है। या आपको कुरान में पढ़ रहा हूँ, तेरी जबान पर तौहीद है, तू कहना रब एक है अल्लाह एक है लेकिन दिल में छुपा उम्मीदें किसी और से लगा रखी है, ऐसा है कि नहीं? नहीं, मैंने उम्मीद किससे लगाई काउंसलर मेरा ये काम करेगा है? मैंने उम्मीद किससे लगाई फलां अमीर मुझे कर्जा देगा, मेरा फलां कजन मुझे कर्जा देगा, मैंने उम्मीद किससे लगा रखी है? इतनी उम्मीद लगा रखी है कि रब पर उम्मीद हमारे दिल में कहीं मौजूद नहीं है। आप फरमाते हैं जबान पर तेरे तौहीद दिल में छुपा शिर्क है, जबान पर तकवा है दिल में किसको फजूर से बड़ा दिल है, ये तेरा दिल किसको फजूर से बड़ा है, और जबान पर तू तकवा साहब मुत्तकी तेरे अल्फाज कैसे हैं, तो ऐसे बोलता है कि लोग तुझे मुत्तकी जाने, लेकिन दिल में तेरे फिस्क भरा हुआ है। बहरहाल आप बनू अब्बास का खलीफा का दौर है, उन्होंने बिदआत को इजाद किया। आप खुतबे के दौरान आपको पता चलता है कि उन्होंने फला फला बिदअत को इजाद किया है। आप उन बनू अब्बास के बड़े खलीफा को मुस्तंजिद बिल्ला को मुखातब करते हैं, हजारों उलमा सुन रहे हैं, हजारों तलबा सुन रहे हैं और हजारों औलिया अल्लाह आपकी मजलिस में मौजूद हैं। अब उनको मुखातिब करके कहते हैं या नखल, पता किसे कहते हैं? ओ डेट ट्री जो खजूर का दरख्त होता है उसे नखल कहते हैं। उनको नाम लेकर कहा ओ नखल ओ दरख्त ला तताअदी अना अक्तु रासका, ये जुल्म जो तुमने शुरू किया है छोड़ दो वरना मैं अब्दुल कादिर तुम्हारा सर काट के रख दूं। अब सर कैसे काटना था, क्या आपके पास तलवारें थी या फौज थी या आर्मी बना रखी थी? नहीं, आप साहब का सर काटना भी ये अजीब था, एक अजीब मंजर मुंतशिफ हो जाना था। आप अल्लाह की जरब अगर उस वक्त लगाते हो, लिया फरमाते हैं अगर अल्लाह की जरब लगाते और उसका तसव्वुर करते तो वो अपने घर में मक्तू उस सर हो जाता, अपने घर में उसका सर कट जाता। आपने जब इरादा फरमाया इतना जलाली खिताब आपने कभी नहीं फरमाया जितना आप उसकी बिदात पर उसके जुल्म पर आपको गुस्सा आया। फिर एक मतलब जब आपको पता चला मुस्तंजिद बिल्ला को पता चला ये हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में मैं जाता हूँ, आपसे माजरत भी करूंगा और नजराना भी पेश करूंगा। आजकल के पीराने उदा में माजरत चाहता हूँ, हम भी पीरों वाले नजराना दे दें तो सारे गम गलत, नजराना दे दें सब गम गलत हो जाते हैं, 100 गिले शिकवे खत्म हैं। आपने मुरीद की डेफिनेशन सुनिया तो तालिबीन के अंदर पता कि हम सब मुरीद होंगे किसी न किसी के होंगे। आप कहते हैं मुरीद वो है जो सिर्फ अल्लाह का इरादा करे, बोले अल्लाह का इरादा करे। मैं आपको सिखाने भी आया हूँ ना, ऐसे समझो मैं ये समझ रहा हूँ मैं सबक पढ़ा रहा हूँ। मुरीद वो है, अल मुरीद वो है युरीदुल्लाह कि जो अल्लाह का इरादा करता है और मा सिवल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह के अलावा हर चीज छोड़ दे उसको कहते हैं मुरीद। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ वैसे हम मुरीद तो कहते नहीं, हम मरीद कहते हैं, शैतान मरीदा मरीदा हम मरीद कहते हैं, हम मरीद कहते हैं। शैतान के बारे में मरीद का लफ्ज आया लेकिन मुरीद लफ्ज क्या होता है?
मुरीद क्या होता है? जो अल्लाह के अलावा हर चीज को छोड़ दे। किसका इरादा करे? अल्लाह का। वो है मुरीद। और कामिल शेख और मुर्शिद वो है जो मुरीद बनाए, यानी उससे वसले इलाह की मंजिल तय करवाए, जो रब की तरफ ले जाए, जो तौहीद का सबक पढ़ाए और मोहब्बत इलाह में गुम और फना कर दे, वो है शेख कामिल। और जो ऐसा ना कर सके वो शेख तो दूर की बात, वो मुरीद भी नहीं बना, यानी खुद भी उस मंजिल तक अभी नहीं पहुंचा। जो ऐसा ना कर सके, माज़ल्लाह नाउज़ बिल्लाह, आजकल क्या होता है आप जानते हैं। मुस्तंजिर बिल्लाह को पता चला कि मुझसे आप खफा हैं, नजराना लेकर थैलियां लेकर, कितनी 20 दिनार 20 थैलियां, द बिग पॉकेट्स ऑफ दीनार। दीनार क्या है? द गोल्डन कॉइन, जो सोने का सिक्का होता है, उसकी 20 थैलियां बड़ी बड़ी बोरे भर के ले गया। और कहने लगा हुजूर मजलिस के इख्तिताम पे मिला, माजत भी की और आखिर में नजराना पेश करने लगा, हुजूर ये आप कबूल फरमा लें? आप फरमाते मैं नजराना कबूल नहीं करता। फरमाया अच्छा मदरसे के लिए ले लें, मदरसे के लिए। आप मदरसे के लिए तो ले लेना चाहिए, मस्जिद के लिए ले लें, मदरसे के लिए ले। आपने फरमाया मैंने कह दिया कि मैं कबूल है, वो इसरार करने लगा उसके लिए ले लें, उसके लिए ले लें, किसी तरीके से हजरत ले लें, किसी तरीके से ये नजराना कबूल कर लें। आपने फरमाया एक थैली उठाई, एक 20 में से एक उठा के मजलिस, क्योंकि अभी सामने थी, तलबा सामने थे, उलमा सामने थे, किबार औलिया अल्लाह सामने थे, उठाई और यूं निचोड़ने लगे, यहां तक कि सबने देखा। 16 बंदों ने ये रिवायत बयान की है, एक बंदा झूठ बोल सकता है, 16 बंदों ने ये रिवायत हलफ उठा के बयान की। रुमाई हमने देखा कि जब आपने वो थैली उठाई और उठा के उसे निचोड़ा, उससे खून निकलने लगा। अब आप मुस्तंजिद बिल्ला को, वो जो खलीफा था, बादशाह था, उस महदूद कि अवाम रियाया पर जुल्म करके उनका माल लूट कर मेरी बारगाह में लाते हो, मेरे पास लाते हो, उसकी नजराना कबूल कर ले। फिर फरमाया अगर मुझे शरीयत के कुछ उमूर का हया ना होता तो मैं इसको इतना निचोड़ता कि तेरे महल तक ये खून जाता। लेकिन मुझे शरीयत की पाबंदियां हैं, मुझे जो रब रब्बे करीम का इल्हाम होता है मैं वही करता हूँ, इतना ही हुक्म है कि इसे इतना ही निचोड़ूंगा अभी कि ये खून तुझे नजर आ जाए, क्योंकि लोगों पे जुल्म करके ये नजराना मेरे पास लाते हो, हराम कमा कर नजराना मस्जिद में डालते हो, हराम कमा कर उस पीर को, वो खुद भी बेचारा किस तरह का पीर है, हराम और ये शबाब कबाब और ये सब जुए और लॉटरी का माल, और ये हमने जो रेस्टोरेंट जिसमें शराब बेचते हैं, अल्कोहलिक माल हम देते पीर साहब को, पीर साहब खुश हो जाते हैं। वो नहीं पूछते कि आया कहाँ से है, जो ये ना पूछे आया कहाँ से है उसकी बैत आज ही तोड़, क्योंकि ये तालीमात गौस के खिलाफ है, ये खिलाफ है वो औरतबा की तालीमात के। आपने तो उस निजराने को कबूल तक न किया जो मुस्तंजिद बिल्ला की तरफ से माजरत पर इनाम था, हुजूर ये कबूल कर। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, जैसा कि हदीस पाक में आया अला उनब्बियुकुम बिखियारिकुम, मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैं तुम में से बेस्ट, द बेस्ट पीपल अमंगस्ट यू, Can I tell you who are the best amongst you? तुम में से सबसे बेहतर लोग कौन हैं? Can I tell you? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह why not? भला क्यों नहीं या रसूलल्लाह, बताइए कौन है जो सबसे अच्छे लोग हैं? फरमाया वो लोग हैं इज़ा रऊ ज़िक्रुल्लाह, के जब उनको देखा जाए रब याद आ जाए, जब उनको देखा जाए तो रब की याद आ जाए, वो है खियारुकुम, तुम में सबसे बेहतर अल्लाह के वली है, वली है, अल्लाह के वली हैं। अब वली, वली का लोग आपसे पूछते हैं यार वली वली कहते हैं, वली कौन सा?
ये कौन सा वली है, वली की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, वली के लिए शराइत कौन सी है, हम हाउ वी रिकॉग्नाइज दिस पर्सन इज वली ऑफ अल्लाह, हाउ वी नो दिस पर्सन दिस पीर एंड दिस माय मुर्शिद इज वली ऑफ अल्लाह, व्हाट्स द अलामात एंड द साइंस ऑफ द वली अल्लाह इज मेंशन इन द बुक अलामातुल वली सलासा, के वली की तीन अलामतें हैं, वो कौन सी तीन अलामतें हैं जो वली की हैं, फरमाया पहली बात ये है वली की अलामत में कि वो वली शुगलुहु बिल्लाह, हर वक्त रब से मशगूल रहता है, शुगलुहु बिल्लाह वफरारुहु इलल्लाह वहम्मुहु अल्लाह, वली वो है जो हर वक्त रब के जिक्र से मशगूल रहता है और बाग के दुनिया को छोड़कर पौंडों की चमक को छोड़कर फिरारुहु इलल्लाह अल्लाह की तरफ भाग कर जाता है, अल्लाह की तरफ वो भाग कर जाता है, दुनिया को छोड़कर वो रब की तरफ भागता है, और वो वली वो है जिसका इरादा जिसका फिक्र जिसका ख्याल में सिवल्लाह कोई चीज नहीं होती, जो होती है तो सिर्फ अल्लाह का ख्याल होता है। ये तीन चीजें हैं जो वली की अलामात हैं, जो वली के लिए जरूरी हैं। वो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का वली तब बनेगा जब इस स्टेप में आएगा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, किसी पर कोई गम नहीं, फरमाया इन पर गम नहीं, ये गम नहीं करते। हुज़ूर गौसे पाक की जिंदगी को देखिए, आपने एक मर्तबा मजलिस के अंदर बहुत बहुत प्यारा कॉल फरमाया, मैंने आज आपको तालीमात भी बतानी आपकी सीरत भी बतानी और ऐसी चीजें बतानी जो आप आम जगह से अमूमन नहीं सुनते, मैं आपकी किताबें पढ़ कर आया हूँ मैं आपको बताने के लिए। फरमाया आपने फरमाया कुन वल्लाह बिना खल्किन वकुन माल खल्की बिना नफ्सिन, यह जुमला है कुन माल्लाह बिना खल्क वकुन माल खल्की बिना नफ्स, अल्लाह के साथ बी विद अल्लाह एंड लीव दिस दुनिया मखलूक, बी विद अल्लाह इन सच ए वे यू आर लिविंग दिस दुनिया एंड बी विद दुनिया इन सच ए वे देन लीव योर नफ्स फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट टीचिंग। फरमाया कि जब तुम अल्लाह के साथ हो जाओ तो खल्क को बीच में निकाल दो, मखलूक से मामला करो तो नफ्स को बीच में से निकाल दो। अब ये क्या मामला है, मैं मिसालों से समझाऊंगा आप समझ जाएंगे, बड़ा इजी कॉल है। आपने फरमाया जब अल्लाह से मामला करो तो खल्क को निकाल दो, ये आप फरमाना चाह रहे हैं जब तुम किसी मखलूक पर एहसान करो तो उस मखलूक या उस बंदे की वजह से ना करो, खल को निकालो, उस बंदे की वजह से ना करो, किसकी वजह से करो, अल्लाह की वजह से करो। जब तुम एहसान कर रहे हो नेकी कर रहे हो ना, कहते मैंने नेकी की थी, फलां को बुलाया था, इधर आया था, उसकी शादी भी कराई, रिश्तेदार में फलां मैंने ढूंढा और बगैर पांच साल रहा मेरे साथ और उसके बाद धोखा दे गया मेरी सेकंड पार्टी के साथ। हर फैमिली में सेकंड पार्टी होती है, मुखालिफ पार्टी में, जिस तरह इशारा कर क्योंकि ये मामला हमारे पास आते हैं हमें पता है, हर फैमिली में हर जगह झगड़े होते हैं, दो बर्तन आपस में खड़कते हैं, कहा वो अब दूसरों के साथ मिल गया है, ये मामला औरत अपने शिकवे बयान करती, मर्द अपने शिकवे बयान करता है। आपने जितने एहसान इसके गिने हैं ना, क्यों गिने हैं, क्योंकि आपने जब ये मामला आप कह रहे मैंने नेकी की थी, है नेकी की थी, तो नेकी तो वो है जो रब के लिए की जाए, नेकी तो वो है जो रब के लिए की जाए, तुमने नेकी कौन सी की, तुमने इसके एहसान की उम्मीद लगाई क्यों कि ये तुम्हें फेवर देगा, ये तेरी फेवर पर डबल तुझे करके देगा, ये डबल शाह का मामला तूने रखा क्यों, तूने अगर रब के लिए करना था तो भूल जा, नेकी कर दरिया में डाल, सुना ना, नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब क्या दरिया में कुछ चीज डाल, नहीं ये मतलब नहीं है कि मछलियों को जाकर खुराक डाल, नहीं नहीं, नेकी करके भूल जा, ये मतलब है नेकी कर भूल जा, यही बात हुजूर गौसे पाक अरबी में कह रहे हैं उन माल्लाह बिला खल्क, जब तू मखलूक पर नेकी करे रब के लिए तो मखलूक की फेवर को भूल जा, इसको निकाल दे, तेरा दीवा कभी नहीं बुझेगा, ये एहसान फरमोश के दिए बुझ जाएंगे, तेरे दस और खुल जाएंगे, लेकिन नेकी कर
भूल जा बिला खल्क। फिर अगला जुमला क्या है, कौन माल खल्क की बिला नफ्स। जब तू मामला करे मखलूक के साथ अपने नफ्स को निकाल दे, अपने नफ्स को निकाल मतलब ओन बेनिफिट्स को निकाल दे। हम जब बेटे की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस बात को देते हैं, मैं चौधरी साहब, मैं मलिक साहब, मैं फलां साहब, मैं मेरे लिए ये जो रिश्ता है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये कितना बेनिफिशियल रहेगा। मेरे लिए बच्चा इधर आएगा, इसको मैं बुलाऊंगा, इसको काम दिलाऊंगा, मेरा बिजनेस संभालेगा कि नहीं, ये करेगा कि नहीं, मेरे काम, मेरी फैमिली बॉन्डिंग मजबूत होगी कि नहीं। आवर ओन बेनिफिट्स को हम सामने रखते हैं, तभी ये होता है कि दो माँ भी वो शादी चल नहीं पाती, क्योंकि हमने रब की रिजा उससे निकाल कर ओन बेनिफिट्स को प्रायोरिटी दी। आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना, अगर इज्जत चाहिए, अगर ये चाहिए कि वो मामला ठीक तरह से कंप्लीट हो, उन माल कल मामला कॉन्ट्रैक्ट करो मखलूक के साथ, ऑन बेनिफिट्स को रिमूव कर दो, रिमूव योर ऑन बेनिफिट्स फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। इंशाल्लाह दिस कॉन्ट्रैक्ट विल गिव यू इज्जत। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मामला, ये अकद, ये निकाह, ये शादी, ये सारे मामलात, ये तुम्हें इज्जत देगा। ये मैं बिजनेसमैनों को भी कहता हूँ, इस पे अमल कर ले। जब आप किसी, जब दो पार्टनरशिप करने लगे, जरा ऑन बेनिफिट्स को सामने बीच में से निकालें और उसकी खैर खाही की नियत से उसे शामिल करें, उसको भी शर्म आएगी, वो आपकी खैर खाही की नियत से उस मामले में शामिल हो जाए। और अगर शर्म वाला हुआ, अगर खानदानी हुआ, तो वो शर्मो शर्मी तेरी फेवर करेगा, उसकी फेवर करेगा। जब जब दो पार्टनर एक दूसरे की फेवर सोचते रहते हैं, हमेशा याद रखिए, उस बिजनेस में बरकत उतरती रहती है, उतरती रहती है। और जब ये एक दूसरे को धोखा देने का सोचते हैं, उसी वक्त अल्लाह ताला इनके दरमियान इनाद पैदा कर देता है, यानी दुश्मनी, इनाद हो जाता है। ये अपना सोचता है, वो अपना सोचता है, और बहुत सोन मामला पार्टनरशिप का खत्म हो जाता है। हम कहते हैं ना पार्टनरशिप नहीं चलती, वो क्यों नहीं चलती, वजह यही है कि हम अपने ओन बेनिफिट्स को रखते हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, कुन माल खल्की बिला नफ्स, मामला ऐसा कर मखलूक के साथ अपने नफ्स और ऑन बेनिफिट्स को बीच में निकाल दे, ये बेनिफिट, ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे इज्जत से नवाजे। ये है, दीज आर द टीचिंग ऑफ हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये टीचिंग है हुजूर गौसे पाक की, कि आपने सुभान अल्लाह, और आपकी करामात की तरफ अगर मैं आऊं, ये वो शख्स हैं कि आप अपने हुजरे में बैठे हैं, और ये 17 सनदों के साथ रिवायत बयान हुई, आपकी किताब बहजतुल असरार आपकी नहीं लिखी हुई, अबुल हसन शाफई की लिखी, आपके मुरीद है, हलफ नामे के साथ आप हुजरे में बैठे हैं, एक औरत आई और देखा कि आप मुर्गी खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, मुर्गी। उसे गुस्सा चढ़ा, फरमाया के وانت تاكل الدجاج وهذا ابني ياكل الخبز الشعير, अरबी के अंदर अल्फाज हैं, पर अपने बेटे को उठा के लाई मदरसे से, आज मदरसे, फरमाया ये मेरा बेटा, ये खुब्ज शईर जौ की सूखी रोटी खा रहा है, وانت تاكل الدجاج, आप मुर्गियां खा रहे हैं, इनको सूखी रोटी, खुद मुर्गी। आपने वो मुर्गी की हड्डियां सामने पड़ी थी, उन पर यूं हाथ फेरा और कहा अल्लाह के हुक्म से उठ जा, वो मुर्गी को पर लगते हैं और वो अल्लाह के हुक्म से उठती है। फसाहत के अल्फाज है रिवायत, फसाहत मतलब चीखना, वो उठती है, बोल के भी दिखाती है कि मैं जिंदा होगी, चीखती है। फिर आपने जुमला फरमाया, इदा इब्नु की हाकजा फलयाकुल माइशा, ये जुमला बड़ा फसीह जुमला है, इदा इब्नु की हाकजा, जब तेरा बेटा मुराकबे करके मुशाहदा और वसले इलाही की इस मंजिल को पा लेगा, जब तेरा बेटा ऐसा हो जाएगा, फिर जो मर्जी कर, तेरे इदा इब्नु की हाकजा फलयाकुल माइशा, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा, तो फिर जो मर्जी खाए, उसे कुछ भी असर नहीं करेगा। यानी आपने इशारा किया, पहले मुराकबे होते हैं, पहले इल्म होता है, इल्म के बाद उस पर अमल है, अमल के बाद आगे है। और आपका एक कॉल बड़ा ही प्यारा कॉल, आपने फरमाया आजकल निफाक बढ़ गया है, आजकल आपके दौर में, आपकी दौर की बात, आजकल तो बहुत ही बढ़ गया ना, फरमाया आजकल निफाक बढ़ गया है, इखलास कम हो गया है, इखलास कम हो गया, इखलास मतलब सिंसियरिटी, सिंसियरिटी फॉर दीन, सिंसियरिटी फॉर मस्जिद, सिंसियरिटी फॉर अल्लाह दीन। फरमाए निफाक बढ़ गया, इखलास कम हो गया, अकवाल बढ़ गए, तकरीरें लंबी लंबी, तकरीरें
आमाल कम हो गए. एक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड, अकॉर्डिंग टू अमल, उसके ऊपर अमल करना कम हो गया. आगे फरमाते जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो लोग गुमराह हो, बेकीन हो जाएंगे. आया हम ढूंढ रहे हमारा वही मकाम, हमारी क्यादत कहाँ है, हमारा इतिहाद कहाँ है, हम इकट्ठे मिलकर आवाज उठाएं उन ऑप्रेस्ड के, ऑप्रेशन के खिलाफ. अब मैं ये भी बात बताऊं, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ. सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने जब फौज बनानी शुरू की, आर्मी बनानी शुरू की, और आपको बैतुल मक़द्दस शरीफ फतह करना था, और आपने कसम उठा ली थी कि मैं आप पीछे नहीं हटूंगा, मैं बैतुल मक़द्दस शरीफ को फतह करूंगा, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मैं मुसलमानों को देकर छोड़ूंगा. और वो जुल्म जो सलीबी जंगों में मुसलमानों पर हुआ था, क्रूसेड वॉर्स के अंदर जो जुल्म मुसलमानों पे हुआ था, वो भी आपके सामने था. तो आपने उस वक्त कहा, ऐलान किया कि मेरी फौज में मैं सबको एंटर करता हूँ, ऐसा ऐसा मुसलमान आ जाए, जवान आ जाए, फला आ जाए. हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे तक बात पहुंचती है. उस वक्त तक कमो बेश उस मुल्क में इसराउद्दीन अय्यूबी के दौर में के अंदर आपके 1,00,000 स्टूडेंट जिंदा. कितने? इब्ने कुदामा हंबली लास्ट स्टूडेंट है, 84 ईयर आपकी एज मुबारक है. आपकी एज मुबारक में लास्ट स्टूडेंट इब्ने कुदामा हंबली है, जिसने फिके हनफी के अंदर अरबी की बड़ी बड़ी किताबें लिखी है. वो कहते हैं उस वक्त आपके 1,00,000 स्टूडेंट मौजूद थे, आपका मैसेज पहुंचाया गया 1,00,000 स्टूडेंट्स तक कि हम अल्लाह अल्लाह भी करने वाले हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म हो तो हमें ही पहली सफ में आना है. आपके 1,00,000 स्टूडेंट सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमा की उस फौज का हिस्सा बने. ये चैप्टर तो हुजूर गौसे पाक का कभी किसी ने बयान नहीं किया. ये चैप्टर बयान ही नहीं किया कि आपके करामात हम सुनाते हैं, आपके जिक्र के अज़कार के मजलिसे बताते हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर कभी नहीं बताया. मैं बताता हूँ कि आपके ने सबसे पहले जो फौज सफर आई हुई, सलाहुद्दीन अय्यूबी की पहली सफ आपके स्टूडेंट से भरी हुई थी. 1,00,000 कोई छोटी सी बात नहीं है. 1,00,000 उलमा जवान वो आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिए कि ये हाजिर हैं, आप इनसे खिदमत लें. हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की ये तालीमात का ये खूबसूरत बाग. और आप फरमाते हैं आपका बहुत लौकान मुरीदी फिल मशरिक आना बिल मग़रिब. ये जुमला बादों को हजम नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसका तर्जमा बताता हूँ. लौकान मुरीदी फिल मशरिक, अगर मेरा कोई मुरीद, मुरीद कौन? आपसे पूछा गया हजूर आपका मुरीद वो है जिसने आपसे खिरका भी ना पहना हो, जिसने आपसे बैत भी ना की हो, जिसने आपके मदरसे में भी नहीं पढ़ा. आपका मुरीद की डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन ऑफ योर मुरीद. फरमाया even he did not wear the khirqa from me, even he did not get knowledge from me, even he did not do bath, the rasmi bath on my hand. Jo mera mohabbat karne wala hai wo bhi main murid mein shamil karta hoon. Ab mohabbat karne wale mein to hum sab hain. Ab main yes kar raha tha law kana muridi fil mashriq wa ana bil maghrib, agar mera koi murid मुझे चाहने वाला मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और उसका सितर नंगा हो जाए, लसतक्तु, तो मैं मगरिब से आकर रब के हुक्म से उसका सितर ढक देता. क्या बंदा लसतक्तु, मैं उसका सितर ढक देता. जो शेख इतना कामिल है वो सितर नंगा नहीं होने देता, वो महशर में आपको कैसे छोड़ेगा? वो आपका सितर नंगा होना बर्दाश्त नहीं करता. और मेरे मुरीद कैसे हैं? आपने फरमाया कल आली, मेरे मुरीद ऐसे हैं, वो मुझे चाहने वाले वो ऐसे हैं कि रात को जब सब सो जाते हैं, मेरा मुरीद उठकर मोतियों की तरह चमकता हुआ रब के हुजूर सजदा रेत हो जाता है. कल आली मोतियों की तरह चमकता है, अपनी रातों को चमकाता है मुरीद. फिर अगर ऐसा हो लसतक्तु का खिताब फिर उसके लिए, लसतक्तु मैं उसको ढांप देता हूँ जब मुरीद ऐसा हो. अलकरामा तवातुर के साथ इजमा है. शेख मौके मुहद्दिस देहलवी, ये आम शख्सियत का नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, शेख मौके मुहद्दिस देहलवी देवबंदी सारे के सारे उसको अपना शेख मानते हैं, वहाबिया सारे के सारे अपना शेख मानते हैं, शिया इवन अपना शेख मानते हैं, आम शख्स का नाम नहीं ले रहा. अहल सुन्ना के शेख तो है ही वो शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी. ये वो शख्सियत है
जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये सब एक कंट्री और चाइना का हिस्सा, ये सब एक कंट्री हुआ करते, एक मुल्क। और आप लोग, बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था वहां, लेकिन मुसलमानों के पास प्रॉपर उलमा नहीं थे, मुसलमानों के पास मदारिस नहीं था, सिलेबस नहीं था, जिंदगी कैसे गुजारे, किससे मसला पूछे, कैसे नमाज पढ़े, कैसे मसाले, किसको फॉलो करें, ये कोई नहीं था। शेख मुहक्किक मुहद्दिसे देहलवी आए हैं, आपने मदरसा पहला बिल्डअप किया है प्रॉपर सिलेबस देने के लिए, यानी पाक को हिंद से ताल्लुक रखने वाला, कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला, वो ये नहीं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहली बात आप हिस्ट्री पढ़ते नहीं, हम आपको सुनाते हैं, आप पढ़ते नहीं है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ा मोहसिन हमारा शेख मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिन्होंने अहदीस मदीना मुनव्वरा से हिंदी में ट्रांसलेशन करके हमें बताए, जिन्होंने कुरान के हाफिज तैयार किए, उलमा तैयार किए, अहदीस भी वो जो सही अहदीस हम तक पहुंचाई, मसलके हनफी हम तक पहुंचाया। हम उस वक्त किसी को फॉलोअर नहीं थे, मुसलमान थे, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा पहले गुजरे, उन पर 96 लाख लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन सिलेबस नहीं था, पास कोई निजाम नहीं था। शेख मुहद्दिसे देहलवी ने निजाम दिया, ये पूरे हिपाक को हिंद के मुसलमान उनको अपना मोहसिन जानते हैं, तमाम उलमा उनकी हिस्ट्री को जानते हैं। मैं पूछता हूँ, वो किससे ताल्लुक रखते थे, वो किससे पढ़े थे, उन्होंने कैसे ये फैजान हासिल किया, वो हिंद की बादशाही उन्होंने कैसे ले ली, वो मुरीद थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो मुरीद थे। सुबतुल आसार आपकी किताब है, सुबतुल आसार फारसी पर्शियन के अंदर, आपने हजूर गौसे पाक की किरामात पाक को हिंद के अंदर आपने आम की है, क्योंकि वो आपके मुरीद थे, वो आपसे फैजान जाफ्ता थे। और दूसरी बात, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा, जिनका नाम हबीब भाई ने लिया, वो कौन है, आपके पास कजन है, यानी पाक को हिंद में अगर हम आज मुसलमान हैं, ये भी बफिजाने नजर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये हम इनको अपना मोहसिन, 11वीं वाला पीर, बड़ा पीर, ये सारे अलकाब क्यों देते हैं, इसलिए नहीं कि हम 11वीं खाते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया, इस्लाम। अगर कोई एक बंदा भी इस्लाम पर अमल करके जन्नत में चला गया, खुदा की कसम वो बेफिजाने नजर हुजूर गौसे आदम है, क्योंकि इन्होंने अपने मुरीदों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार किया। हुजूर सुल्तान बाहु फरमाते हैं, मैं अपनी शमसुल आरिफीन किताब की ट्रांसलेशन कर रहा था, इस फरमान पे आके मैं रुक गया, बार बार से पढ़ा, बार बार। सुल्तान बाहु कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है, आप जानते सुल्तान बाहू, पाकिस्तान वालों जानते सुल्तान बाहू कोई आम शख्स का नाम नहीं, वो आलिम भी है, मुफस्सर भी है, मुहद्दिस भी, हाफ़िज़ कुरान भी, अपनी हर जुमले पे कुरान की आयत का हवाला देते हैं अपनी किताबों के अंदर। वो कहते हैं, मेरे पीर मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे पीर मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो एक नजर से एक मजलिस में हजारों तालिबों को वासिल बिल्ला कर देते थे, एक नजर में एक मजलिस में हजारों तालिबों को, तालिब कौन होता है, जो अल्लाह की तलब में बैठा है, जो अल्लाह की तलब में बैठा है। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, रब की तलब में, हम रोजा क्यों रखते हैं, रब की तलब में, हम ये सब काम क्यों करते हैं, रब की तलब में करते हैं, तू मिल जाए, ये सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्ले ढावा, ये आपका फरमान है, ये सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्ले ढावा, ये आपका फरमान है। आप फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक मजलिस में एक दस के अंदर हजारों तालिबों को वासिल बिल्लाह कर देते, यानी आम शख्स आता, आपसे कुरान है, आलिम दीन है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, लेकिन उसकी वो वासिल बिल्लाह वाली जो तंद है वो टूटी हुई है, आप एक नजर से तमाम हालात उस पर मुनकशिफ फरमा दे, एक नजर। ये सुल्तान बाहू ने बात कही, ये आम शख्सियत कहती तो मैं ना मानूं, आपने कहा, और आप फरमाते हैं, मुझ फकीर हकीर को आलमे मुराकबा के अंदर खुद अपने हाथ पर बैत फरमाई, और बैत करने के बाद मुझे मजरसे हजूरी में पहुंचा दिया, मजरसे हजूरी में फिर मैंने डायरेक्टली मोहम्मद मुस्तफा के हाथ पर बैत की, उसके बाद सिद्दीक अकबर के हाथ में बैत की, फिर मैंने उमर फारूक के हाथ में बैत की, फिर मैंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, फिर उसके बाद
मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ पर बैत की और ये वसल मुझे देने वाले मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाबिक फरमाते बगदाद शहर की ये निशानी उछिया लम्बिया चीरा चीरा पंजाबी कलाम के अंदर है बगदाद शहर की ये निशानी उछिया लम्बिया चीरा हूं एना चीरा एना लीरा दी गल कफनी पाके मैं रलसा संग फकीरा हूं यानी बगदाद शहर के फकीरों के साथ मैं मिलना चाहता हूं। आम बंदा नहीं है, आम बंदा नहीं, आम बंदा बात करता है। हम कहते हैं यार सारे ही अपने पीरों की, कोई कुतुबुल अख्ताब कहता है, कोई सुल्तान फुकरा कहता है, ये आम शख्स नहीं है। वो नजर वाले शख्स हैं जो मजलिसे हजूरी में हाजिर होते हैं, वो कहते हैं मैं बगदाद शहर के फकीरों के संग रलना चाहता मैं अपने पीर। हाँ ये वसल की मंजिल बात करी आपने, इरशाद फरमाया मुर्शिदा दीदारे बाहू मैनु लख करोड़ा हज्जा हूं। वो लख करोड़ा हज्जा क्यों आपने कहा? खुदा की कसम ऐसे नहीं कहा, क्योंकि जब आपने अपनी बैत पर उसे आपको किया उसके बाद डायरेक्टली मुस्तफा करीम की ज़ियारत करवाई, इसलिए क्योंकि हज पे जाके कोई डायरेक्टली अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ नहीं होता, मुस्तफा के दीदार से मुशर्रफ नहीं होता सिवाय चंद लोगों के। लेकिन आप फरमाते मेरे लख करोड़ा हज्जा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे वास्ले बिल्लाह की मनाज़िर तय करवाने वाले। ये बात खत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आम शख्सियत का नाम है, आम शख्सियत का नाम है। जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है खुदा की कसम आपको पढ़ने के लिए, आपके अखबार को पढ़ने के लिए दिल कांप जाता है। आप दो मिनट भी आपके आपका एक कॉल नहीं पढ़ सकते, दो मिनट भी अरबी में अगर पढ़े, इतना जलाल बंदे को होता है। क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात का वो असर है, सवाल ने कहा था ना निकले जो दिल से तो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकतें परवान रखती है। काफिर की है ये पहचान कि आफाक में गुम है, ये बात सुनिएगा, काफिर की है ये पहचान कि आफाक में गुम है, ये भी चांद पे जा रहा है। इंडिया ने सोचा चलो जी हमारे पास भी पैसे आ गए, चांद पे भेज दें, इसने भी ऐसे चक्कर ही कराया था, अमेरिका ने भी लोगों को बेवकूफ बनाया था, पति बना देते दो मिनट है चांद पे। काफिर की है ये पहचान के आफाक में गुम है, ये पहचान कि गुम इसमें है आफाक, मोमिन की ये पहचान कि गुम इसमें है आफाक कि आफाक इसके अंदर गुम है। इतनी करामात हुजूर आपसे साजिश कैसे हुई? कुरान का हवाला दिए, मिर्जा इंजीनियर ने मुझे एक बार मैसेज किया, मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, सुन भी रहा होगा मेरा लाइव जा रहा है, मुझे मैसेज किया, मैंने तवस्सुल पर उसका रिसर्च पेपर था, मैंने तवस्सुल पर उसके रिसर्च पेपर का जवाब दिया टीवी पे, तो उसने बहुत से सवाल किए। अब मिर्जा साहब यहाँ पे सवाल करते हैं, ये जो कहानियां वो पाक के लोग सुनाते हो, ये कहानियां कैसे हो सकती हैं? कौन से साबित करो? कुरान से साबित करो। अब जो बंदा कुरान के बाद आया कुरान से साबित किया जा सकता है, ये बताइए, ये बेवकूफाना सवाल है, इसी को जचते मिर्जा साहब आपको जचते बेवकूफाना सवाल। आप कहें मेरा वालिद, ये मेरा वालिद है, मैं मानता हूँ वालिद है, लेकिन मुफ्ती साहब कुरान से ये को सवाल बनता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए बाद में, इनकी करामात कुरान से साबित करो। मैंने कहा ठीक है साबित करते हैं, आइए मातिल का भी यमीनी का या मूसा, मातिल का भी यमीनी का या मूसा। रब्बे करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा था, असा था, कहा माँ तिल का भी जमीन का या मूसा, है मूसा तेरे हाथ में क्या है? ये तेरे, ये तिल का, तिल का मतलब ये, ऐ मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? या अल्लाह ये असा है, इससे मैं बकरियां भी चराता हूँ, उनके पत्ते झाड़ता हूँ, चढ़ती है, वो असा क्या था? आप पत्थर पे मारते थे बारह चश्मे निकल जाते, वही आसान ना, आप पत्थर पे मारते तो बारह कबीलों के बारह चश्मे बन जाते, आप उसको बेचते वो बकरियों की निगरानी भी करता था, बकरी इधर उधर जाती थी उसको मोड़ के मिलाता। अच्छा जब आपको भूख लगी होती तो आप असा को यूं देखते तो उससे अनार भी उगाते थे, खा भी लेते, पानी की जरूरत पड़ती पत्थर पे मारते चश्मे निकल आते। यार असा है ये,
اسا ہو کر قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی, اس کے اندر سے اتنی کرامات کا ظہور نکل رہا ہے. ہوا کیا؟ امام فخر الدین رازی سے پوچھا, حضور آپ بڑے مفسر ہیں, آپ نے اتنی 30 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھ ڈالی, رازی عربی میں لکھی, وہ رازی جس کو اقبال نے رازی ماننا ہے, اقبال بھی کہا یہ رازی, یہ غزالی, یہ رازی غزالی, وہ رازی. رازی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیا؟ یہ پہلے ڈنڈا تھا, اس سے اتنی کرامتیں, یہ بکریوں گیر رہا ہے, سمے رہا ہے, سن رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے, اور شولے بھی نکل رہے ہیں اس سے, اور انار بھی نکلتے ہیں, اور فرعون کے سارے سانپوں کو کھا بھی جاتا ہے, کھا بھی جاتا. ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ, اس کے پیچھے راز یہ ہے, جب رب کریم نے ماں تلک بھی یمین کا یا موسیٰ فرمایا, اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ دل کا اس میں اشارہ ہے, جب یہ اشارہ کیا جاتا ہے نا, اس کی طرف دیکھا بھی جاتا ہے, اس کی طرف دیکھا بھی جاتا ہے. میں کہوں یہ سپیکر حبیب صاحب کیا ہے, میں نے یہ کہا تو اس طرح تو نہیں کہہ سکتا, یہ کیا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ماں تلک بھی یمین کا یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اشارہ کیا, دیکھا بھی, فرمایا جب رب کی نظر رحمت اس عصا ڈنڈے پر پڑی تو پہلے ڈنڈا تھا, اب وہ فرعون کی رسیاں کھانے والا بھی بن گیا. پہلے ڈنڈا تھا, چشمے جاری کرنے والا بھی بن گیا. پہلے ڈنڈا تھا, بکریاں گیرنے والا بھی بن گیا. پہلے ڈنڈا تھا لیکن اب یہ کرامات ظاہر کرنے والا بن گیا, کیونکہ رب کی ایک نظر اس کو اس نے متحمل کر لی, اور رب کی نظر. اور فرمایا آگے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں, ان اللہ ینظر الی مؤمنین, مومن کی طرف ڈیلی رب کریم 300 بار اپنے ولی کے قلب پہ ڈیلی نظر فرماتا ہے. ایک نظر میں وہ ڈنڈا اتنی کرامتیں ظاہر کر رہا ہے جس کے دل پر 300 بار ڈیلی نظر کی جائے تو یہ کہے گا نا, لو کان مریدی فی المشرق وانا بالمغرب لسترته, وہ تو یہ کہے گا نا, اذا ابن کی ہاکذا فل یکن ما یشاء, جب تیرا بیٹا ایسے ہو جائے گا مرغیاں ڈنڈا کرنے والا, جو چاہے کھائے, وہ تو یہ کہے گا. حضرت خضر کو بلائے گا, اے اسرائیلی, او اسرائیلی, حضرت خضر کو بلایا, ادھر آؤ, محمدی کی مجلس بھی سن کے جا. وہ تو یہ کہے گا, آپ کی مجلس کے اندر لوگ آئے ہیں, بارش پڑنے لگی, آپ نے آسمان کی نظر اٹھائی, فما انا اجتمیو انا اجمعو وانت تفرقو, اے اللہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, تو ان کو بکھیرتا ہے. اتنی بات فرمانی تھی کہ مجلس سے بارش ختم ہو گئی مجمع کے اندر, اور 20 لوگوں نے حلفیہ یہ کرامت کو آپ کو بیان کیا کہ ہم اس مجلس میں موجود تھے جب آپ نے یہ جملہ فرمایا, یا اللہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, تو لوگوں کو بکھیرتا ہے. مجلس سے بارش ہٹ گئی. یہ وہی محمدی کہہ سکتا ہے جس کے دل پر رب کی نظر ہو, یہ وہی محمدی کہہ سکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کسی عام شخص کا نام, عام بندہ آپ کے بارے میں کلام بھی نہیں کر سکتا, خدا نہیں کر سکتا. تو وہ بندہ جس کو آپ کی ہسٹری کا نہیں پتا, وہ بندہ جیسے اگر کوئی بندہ مکینک نہیں ہے لیکن وہ کار کے پرزوں پر بات کرے, ہیں کار کے چیزوں پہ بات کرے, مکینک نہیں ہے بات کرے, آپ کیا کہیں گے؟ جاہل جہل. اور اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں ہے تو بایولوجی پر بات کرے, بایولوجی پر, وہ کہے یار اتنے آرگنز ہیں, دل کی اتنی آرٹریز ہیں, فلاں جگہ سے یہاں ہوتا ہے, یہاں وال اور سٹنٹ پڑتا ہے, وہ بات کرے گا تو اجہل کہلائے گا, جاہل, کیونکہ اس کو فیل نہیں. تو جس کو حضور غوث پاک کی تعلیمات جس نے پڑھی نہیں, آپ کے خطبات کو دیکھا نہیں, عربی جس کو آتی نہیں, تو ایسے مرزا صاحب کو چپ رہنا زیادہ سوٹیبل ہے.